तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम देख रहे थे कि ये हमारे पास 12 महीनों की सेल है, कितने महीनों की, 12 महीने की। अब इसमें रैंडम वैल्यूज हैं जो यहाँ पर इंटर की गई हैं, जिसमें आपको बताया गया है कि प्रोडक्ट ए, अब प्रोडक्ट क्या है कभी भी कंफ्यूज ना हो, एक जिनकी परचून की दुकान होती है, रसकारी की दुकान, उनके प्रोडक्ट आटा, चीनी, दाल, पत्ती, लिप्टन की चाय वगैरह, वो जो वॉट एवर जो दुकान में सामान रखा है वो उनके प्रोडक्ट। एक हार्डवेयर की दुकान है तो उनके कील, नेल्स और हैमर और जो उनके टूल्स हैं वो उनके प्रोडक्ट। कपड़े की दुकान है तो सूट्स, कपड़ों के क्लॉथ उनकी। कंप्यूटर की दुकान है तो कंप्यूटर उनका प्रोडक्ट है, वो यहाँ पे लिखे जाएंगे। 12 महीने की सेल आपके सामने मौजूद है कि भाई जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में ये डिफरेंट वैल्यूज में सेल्स की गई है, ठीक है। अब इसका सम लेना है, वेरी इजी, वेरी सिंपल, सेलेक्ट एंड सम। ओके, एवरेज लेना है, कैसे लेंगे? हाँ कोई बता दे। एवरेज होता क्या है? एवरेज ये होता है, चले हम आपके एक एग्जांपल देके समझाते हैं। आपके पॉकेट मनी मिली, मतलब पहली दफा आपको 30 रुपए मिले, 40 रुपए मिले, 60 रुपए मिले, 10 रुपए मिले और फिर 30 रुपए मिले। ये कितने दिन पॉकेट मनी मिली है आपको? 1, 2, 3, 4, 5 दिन पॉकेट मनी मिली। इनका टोटल क्या होगा? 70 और 110, 120, 140, सही है। तो 140 जो है आपका टोटल पैसे मिले, कितने दिन में मिले? नंबर लगा देता हूँ, 1, 2। ओके ओके वन, और यार इस पर थोड़ा मुश्किल हो रहा है, यहाँ कर लेता हूँ। ओके, ये पॉकेट मनी डिफरेंट मैंने इसके अंदर लिख दी है जो आपको मिली है, और इसका सम भी ले लिया। तो ये आपको 230 रुपीज 5 डेज की पॉकेट मनी मिली है। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब ये तो हो गया इसका सम। एवरेज क्या होता है? देखिए एवरेज ये होगा, अब आपके दोस्त ने बोला यार तेरे डेली कितने पैसे मिलते? बोला यार कभी अब्बू 30 दे देते, कभी 50 दे देते, कभी 100 दे देते। नहीं, ये बता ना तेरे को डेली कितने मिलते हैं। सपोज इसी एग्जाम्पल को हम आपके NFT जो यूज करते हैं, भाई कभी 3 डॉलर आ रहे हैं, कभी 5 डॉलर आ जाते हैं, कभी 1 डॉलर आ रहा है, कभी 4 डॉलर आ जाते हैं। आपने पूरे महीने का या 5 दिन का हिसाब बनाया तो आपके पास 230 है। तो आपसे किसी ने पूछा यार डेली कितने मिलते हैं? अल्लाह डेली बटे मिली नहीं, नहीं मुझे एग्जैक्ट बताओ। एग्जैक्ट का मतलब होता है वो नंबर वो जानना चाह रहा है जो इस टोटल को 5 टाइम को मल्टीप्लाई करे तो ये बने। तो उसका आम तौर पे निकालने का तरीका ये होता है, 230, 230 हो गया, वेल एंड गुड। अब 230 कितने दिन में मिले हमें? 230 मिले हैं हमें 5 डेज में, 5 ट्रांजेक्शन में 5, 223 मिले हैं। तो जैसे इसको डिवाइड करेंगे, तो आइए इसको डिवाइड कर देते हैं कैलकुलेटर के ऊपर। तो हमने यहाँ पे जाके 230 को डिवाइड किया, 230 डिवाइडेड बाय 5 तो 46। तो 46 इज द एवरेज नंबर। इस 46 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो आंसर हमारा आने वाला है मल्टीप्लाई बाय 5, 230 इज दैट मीन टू 46 इज द एवरेज नंबर। औसत, औसत नंबर है हमारा उर्दू में कहेंगे, और इंग्लिश में कहेंगे एवरेज नंबर। यानी कि अगर इक्वल इक्वल सबको 46, तो आप ये कह सकते हैं कि यार मुझे जो है 46 मिलते हैं डेली, ठीक है। अब यही काम आप सेल्स में कर सकते हैं, यही काम अपनी इनकम पे कर सकते हैं, यही काम आपके जो NFT शेनएफटी आ रहा है, डेली की इनकम हो रही है, खर्चे हो रहे हैं, आप किसी को पैसे दे रहे हैं, मजदूर मजदूरी निकाल सकता है, दुकानदार अपनी दुकान की सेल निकाल सकता है, ये तरीका। इस काम को करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक फंक्शन है जिसका नाम है एवरेज, ठीक है। और उसमें आपने बताना है 1, 2, 3, 4, 5 जितनी सेल है वो, टोटल नहीं बताना उसके, और इंटर, राइट। तो जैसे ही आपने मालूम कर लिया, अब आपके लिए आसान हो गया एवरेज सेल निकालना पर मंथ की। तो यहाँ से एवरेज फंक्शंस को लॉन्च किया, और इसी तरह से आपने जनवरी से लेके सेलेक्ट किया कहाँ तक? दिसंबर तक, सही है, और इसको एंटर कर दिया। तो आपकी एवरेज सेल आ गई हर महीने की, प्रोडक्ट ए की 1650, प्रोडक्ट बी की 1625, प्रोडक्ट सी की 1495 और प्रोडक्ट ई की
1900 और प्रोडक्ट एफ की 1650। ये इसकी हर महीने की एवरेज सेल है, मतलब अगर 12 महीने को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो इनका टोटल बन जाएगा। राइट, एवरेज भी आ गया समझ में, क्लियर हो गया, बेहतरीन हो गया। सो नाउ अब दो फंक्शंस और हैं जिसमें से हम मालूम करेंगे। एक फंक्शन है यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मैक्स, एक फंक्शन है जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे मिन। ठीक है, मैक्स एंड मिन क्या है? आपके व्यूअर्स ने पूछा, अच्छा ये बता ज्यादा से ज्यादा तेरे अब्बू तुझे कितने पैसे देते हैं? कितने पैसे देते हैं मेरे अब्बू ज्यादा से ज्यादा? ओके, अब हम बताएंगे। यहाँ पर हमने लिखा MAX, मैक्स फंक्शन। तो यहाँ पे मैंने लॉन्च किया एक फंक्शन जिसका नाम है मैक्स, और मैंने बताया कि मेरे अब्बू ने मुझे 1, 2, 3, 4, 5 दफा पॉकेट मनी दी है। तो मैक्स फंक्शन मुझे बता रहा है बेटा ज्यादा से ज्यादा तेरे अब्बू 60 रुपए देते हैं। फिर आपने दोस्त ने कहा, अच्छा कम से कम कितने मिलते हैं तुझे? अब ये कहीं भी सवाल हो सकता है, कम से कम सेल कितनी होती है, कम से कम खर्चा कितना होता है, कम से कम तुम कितने पैसे देते हो। तो यहाँ पर आपने उस डेटा के ऊपर ये लगा देना है मिन फंक्शन, और 1, 2, 3, 5 डेटा ऐसे रोज में भी हो सकता है, कॉलम में भी हो सकता है, एक कलेक्शन में भी हो सकता है, सेलेक्ट कर देना, ये खुद ही निकालेगा। तो आपको पता चला कि आपके फादर आपको मैक्सिमम 60 रुपए देते हैं, जो एवरेज में बनते हैं 46 रुपए, और कम से कम आपको 30 तो मिलते ही है। अब आप डिसाइड कर सकते हैं ना यार, 30 रुपए मिलते हैं, ज्यादा से ज्यादा 60 मिलते हैं, इसके अंदर का गेम करना है मुझे, जो भी करना है। इससे नीचे में जाऊंगा तो फायदा नहीं है, इससे ऊपर जाऊंगा तो फंस जाऊंगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? ये मतलब NFT में मुझे कम से कम 2 मिलते हैं, ज्यादा 6 डॉलर मिलते हैं। ये मेरा मिन है, ये मेरा मैक्स है, जो भी कहानी करनी है वो इसके बीच में रह के कर लूं तो मैं सेफ रहूंगा, ऊपर गया तो फंस जाऊंगा, नीचे गया तो भी फंस सकता हूँ। आ रही बात समझ में? डिसीजन लेने में पावर। ओके, अब यहाँ पर आ जाए तो आपने कहा यार अच्छा ठीक है, ये निकालो यार कि मैक्सिमम मेरी सेल कितनी होती है। तो आपने यहाँ पे क्लिक किया, मैक्स फंक्शन को लॉन्च किया, और 12 महीने आपने अपनी सेल्स के इधर बता दिए और एंटर कर दिया। तो उसने कहा भाई तुम्हारी इन 12 महीने में प्रोडक्ट ए में 2100 की सेल हुई है, प्रोडक्ट बी में भी 2100 की हुई है, और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट एफ 1800 का बिका है 12 महीनों के। सिमिलरली तुमने इसी काम को ऐसे कर लिया, मिन के ऊपर ये फंक्शन को लगाया और मिन पे क्लिक करके 12 महीने की सेल को इधर बता दिया। ठीक है ना, हर जगह पे 12 महीने की सेल का जिक्र हो रहा है, ये ध्यान में रखिएगा बात। और यहाँ पे क्लिक करके इसको निकाल दिया। ठीक है, तो इसने कहा कम से कम भी तुम्हारा ये प्रोडक्ट 1200 का बिका, हाँ 1200 का बिका, एक महीने में जो सेल हुई है 1200 की हुई, और ज्यादा से ज्यादा 2100 की हुई, और वो किस महीने में हुई है वो हमें नहीं पता, वो हमें खुद देखना पड़ेगा। ओके, क्लियर हो गई बात? यहां तक बात सबको समझ में आ गई? तो देखे ये चीजें तो आप इस तरह से मालूम कर लेते हैं, लेकिन थोड़ी कहानी डिफरेंट है। कहानी यहाँ पे ये डिफरेंट है कि आपको यहाँ पे निकालना है बेस्ट मंथ और वर्स्ट मंथ। मतलब एक्सेल की शीट आपको ये बताए कि भाई तुम्हारी इन 12 महीने में जो सबसे अच्छी सेल हुई है, सेल का नंबर तो हमने निकाल लिया, नो, सेल का नंबर नहीं, सेल का मंथ बताए। तो यहाँ पे हमने नंबर निकाला है, यहाँ पे हमें मंथ बता रहा है कि 2100 जो सेल हुई है सबसे ज्यादा थी 12 महीने में, और वो महीना कौन सा था चेक कर ले, सही है? और यहाँ पर बता रहा है सबसे लोवेस्ट सेल जो ये 1200 की हुई है, और वो महीना कौन सा था, जनवरी। ये कैलकुलेट करके बताए ना, हमें नाम दे, नाम, नंबर नहीं चाहिए, नाम चाहिए। क्योंकि आपका बॉस आपसे क्या पूछेगा, भाई हाँ कितनी सेल हुई है सर? 2 लाख रुपए की हुई है। 2 लाख रुपए की हुई है, अच्छा ये बताओ पूरे साल में कौन से महीने में सेल ज्यादा होती है? नहीं, नंबर तो निकाल के बैठे हुए, फिर देखना पड़ेगा, एक एक को चेक करना पड़ेगा। अच्छा देख भाई 1200 तो इसको ही है, फरवरी में देख 1500, हाँ भाई कम है, अभी 1800 उससे ज्यादा हुई है, हाँ भाई 1400 कम हो गई, अभी मैक्सिमम 1800 चला गया, अभी इतना टाइम लगेगा। एक्सेल तो यूं बताएगा, यूं सही है, लेकिन एक्सेल को सीखना पड़ता है फिर बताता है, ऐसे नहीं बताता एक्सेल। तो भाई क्या करेंगे, अब हम आएंगे आगे की तरफ। अब यहाँ पे एक फंक्शन को और सीखेंगे हम, जिसका नाम है मैच। क्या नाम है? मैच। ये बीच में ऐड कराएंगे, सॉरी कॉलम ऐड कराएंगे, सी कॉलम, और यहाँ पे लिखेंगे मैच, मैच। सो नाउ मैच फंक्शन क्या करने वाला है? मैच फंक्शन हमें पोजीशन बताता है फ्रॉम लेफ्ट साइड। क्या बताता है?
पोजीशन, मतलब हम कहें भाई ये बताओ कि अक्टूबर का महीना कौन सा है, तो लेफ्ट मैच फंक्शन हमें बताएगा, देखो तुमने मुझे रेंज बताई है जनवरी से दिसंबर, तो अक्टूबर का महीना आता है 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10 नंबर पे, तो ये अक्टूबर का महीना रिटर्न नहीं करेगा, अक्टूबर के महीने का नंबर रिटर्न करेगा, चाहे तुम ऐसे बता दो चाहे ऐसे बता दो। अगर ऐसे बताओगे तो यानी कि इस तरह से बताओगे, सपोज टू बी इस तरह से, तो ये लेफ्ट से काउंट करना शुरू करेगा, अगर ऐसे बताओगे तो ये ऊपर से काउंट करना शुरू करेगा, सही है? तो विल रिटर्न क्या पोजीशन नंबर, लेट सपोज पोजीशन नंबर बताएं भाई करीना का पोजीशन कौन सी है, तो हम देखेंगे करीना की पोजीशन है 1, मुसिफ की पोजीशन कौन सी है 1, 2, 3, अम्मार की पोजीशन कौन सी है 1, 2, 3, ऐसे बताएगा ये हमें, ठीक है? समझ में आ रही है बात? लेकिन मैच फंक्शन काम कैसे करता है ये तुम्हें सीखना पड़ेगा, अभी सिखाते हैं तुम्हें, देखो अभी समझ में आएगा। मैंने यहाँ पे क्लिक किया मैच, मैंने कहा मैच काम करो, बोला हाँ बताओ। मैच फंक्शन कहता है मुझे 3 आर्गुमेंट दे दो, 3 सवालात हैं, अगर तुम मुझे उसका प्रॉपर बताओगे तो मैं तुम्हें तुम्हारा जवाब बताऊंगा। पहला सवाल पूछता है लुकअप वैल्यू, किसको मैच करूं मैं? भाई तुम इसको मैच करो, इसमें क्या लिखा हुआ है 2100, और 2100 12 महीनों की सेल में से हाईएस्ट सेल है, ओके लुकअप एरे बता दो। अभी बता देते हैं मैं लुकअप एरे, ये लो भाई ये आ गया, ये आ गया एरे, 12 महीने की सेल का लुकअप एरे दे दिया, ठीक है? ठीक है, इसलिए समझ गया भाई, भाई S4 में जो वैल्यू है 2100 वो इन 12 महीने की सेल में मुझे मैच करनी है, तो इसका भी मुझे मैचिंग क्राइटेरिया बता दो। तो वी लुकअप को याद कर लो, 04 इक्वल इक्वल मैच, और 14 नियर टू क्लोज, यहाँ पर तो इक्वल इक्वल की बात होगी, 2100 को किस तरीके कंट्रोल करो 0, एंड देन क्या करेंगे ओके। तो इसने बताया कि जो 2100 है इस 12 सेल्स के अंदर जो इसकी पोजीशन बनती है फ्रॉम लेफ्ट साइड कौन सी आ रही है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, सही है? तो सही है, मैच फंक्शन ने हमें बता दिया ना, सही है, कोई मसला नहीं। और अब इधर आ जाओ, यहाँ पे भी मैच फंक्शन लगाएंगे दोबारा से, मैच मैच बोला ठीक है, क्या करना है इसकी पोजीशन मालूम करो, ओके कहाँ से मालूम करनी है, दिसंबर जनवरी फरवरी के सेल के अंदर से, ओके क्राइटेरिया क्या रखोगे भाई 0, ओके तो यहाँ पर आ गया आपका ट्रैक एंड ट्रैक। तो भाई इसकी सबसे ज्यादा सेल 9वें महीने में, इसकी सबसे ज्यादा सेल 10वां नंबर है, 10वां नंबर है महीने का, 10वें महीने में ऐसे कह सकते हैं, पहले महीने की कम से कम सेल है, दूसरे महीने की कम से कम सेल है, ऐसा ही हो रहा है ना, समझ में आ रही है बात? लेकिन अभी तक डेटा नंबर में ही आ रहा है ना, अभी तक डेटा नंबर में आ रहा है भाई। फॉर एग्जांपल अभी तुमसे सवाल हो जाए यार, ये 12वां महीना कौन सा होता है, 12वां महीना कौन सा होता है, दिसंबर। तो तुमने अंदाजा किया कि 12वां महीना दिसंबर है, तुम्हें सिखाया गया है, और मैं कह दूं जनवरी कौन सा महीना है, फर्स्ट, तुम्हें सिखाया गया है, तो हम समझते भी ऐसा ही है। वाह यार, छठे आप देखेंगे जो हमारे जरा दुकानदार हजरात होते हैं वो महीनों में कम बात करते हैं और वो दिन इसमें नंबर्स में ज्यादा बात करते हैं। यार तो क्या पैसा कटे मिलंदा, यार 9 महीने में पैसा मिलंदा। अब अगर किसी को यही नहीं पता 9वां महीना कौन सा होता है, अब 9 महीनों केड़ो हुआ, ऐसे भी होते हैं भाई, कौन सा होता है, अरे यार माना 10वां अक्टूबर, हाँ सितंबर, सितंबर में पैसा मिला, ये मैं बता रहा हूँ इलिटरेट थोड़े से लोग जो कारोबारी लोग हैं, मतलब जो थोड़ा सा स्कूलिंग में नहीं गए लेकिन हिसाब किताब कर लेते हैं, लिख पढ़ लेते हैं, उनका बात करने का अंदाज ऐसा होता है, वो महीने के नाम से नहीं जानते, नंबर से जानते, टेयो महीनो, चौथो महीने, फसल कटे लगी 6 महीने में लगी, कणक कड़े लगी 12 महीने में लगी, ऐसे बात करते हैं वो, ठीक है? सो एक्सेल भी देखो ऐसे ही चल रहा है, एक्सेल भी नंबर में चल रहा है, लेकिन अभी भी मसला वहीं फंसा हुआ है कि भाई ये तो तुमने सारा निकाल के दे दिया, अभी इसको इस शीट को मैं तुम्हें प्रिंट करके दूं तो तुम्हारे दिमाग को डबल काम करना पड़ेगा, कैसे? हाँ भाई ज्यादा सेल कौन सी, 2100 कौन से महीने में, 10वां महीना, हाँ अक्टूबर में ज्यादा हुई है, अच्छा दूसरा महीना फरवरी में कम हुई है, ऐसा ना, तो तुम बोले अबे यार तू ऐसा करना भाई, इधर नाम महीनों के लिख के दे देना मुझे, ये आसान होगा मेरे लिए, पढ़े लिखे आदमी आपसे नंबर नहीं मांगेंगे, पढ़े लिखे नाम बताओ भाई मेरे को, कौन से महीने में शादी, कौन से महीने में
जनवरी के महीने में, और भाई वो उसका वलीमा कब है भाई, अप्रैल के महीने में, ठीक है, उधर कब जाना है, ईद कब पड़ रही है, अप्रैल के महीने में, ऐसे हम बातें करते हैं, सही है। तो ये कैसे कराएंगे अब एक साल से, सही है, समझ में आ गई बात, ये इसके लिए आपको फिर सीखना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम एक फंक्शन लॉन्च करेंगे इस जगह पर, ठीक है, ये हमारा रफ अमल हो गया, इसको डिलीट कर देते हैं, जो हमें ये बताएगा कि भाई ज्यादा से ज्यादा सेल कौन से महीने में हुई है, विद द नेम, विद द नेम, अगर नंबर्स पे तो काम हो चुका है, तो उस फंक्शन का नाम है फॉर्मूला में जाके इंडेक्स। जैसे ही इस फंक्शन को लॉन्च करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन लेके ओके करेंगे, ये आपसे पूछेगा दो बातें बतानी है इसको आपको, ठीक है ना। देखो ये आपसे आर्ग्यूमेंट तीन मांग रहा है, एरे, रो नंबर, कॉलम नंबर, लेकिन अभी सिर्फ हमें डेटा यू ले रहे हैं, तो इसको एरे में बताना है, रो नंबर में, कॉलम में नहीं बताना, कुछ भी खाली छोड़ना है वो, ठीक है। अभी इसकी वन साइड सीख रहे हैं। सबसे पहला सवाल ये कर रहा है कि मुझे वो बताओ एरे जिसके अंदर से मुझे डेटा लेना है। जब भी वर्ड एरे आए, इसका मतलब वो एक वैल्यू की बात नहीं कर रहा, वो मल्टीपल सेल्स की बात कर रहा है, याद रखना बात, ठीक है, क्योंकि जो प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं या सीख चुके हैं उनके लिए तो बात ये कंसीडर होनी चाहिए। मैंने कहा भाई मेरे एरे का नाम है ये, ठीक है, आप कहोगे सर एरे का नाम बता रहे हो C3N3, वाई नॉट कि इसको एक नाम दे दिया जाए, वाई नॉट कि इसको एक नाम दे दिया जाए, चलो कैंसिल करते हैं थोड़ी देर के लिए, हमने इसको एक नाम दे देते हैं, भाई मेरे एरे का नाम है, मेरा एरे है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। फॉर्मूला डिफाइन नेम, ओके, क्या नाम दे दूं, माय सेल्स मंथ विदाउट स्पेस, सेल्स मंथ्स विदाउट स्पेस, विदाउट नंबर, राइट, ओके। तो अब सेल्स मंथ का मतलब है, सेल्स मंथ का मतलब है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और दिसंबर, ठीक है। तो इसके अंदर आ गए 12 मंथ्स और उनके नाम है ये, उस सेल्स में क्या लिखे हुए, नाम है ये, और सेल्स कौन से हैं, C3, 2 एंड 3। अब यहां पर जो मैं इंडेक्स फंक्शन का काम बता रहा हूं आपको, उसमें ये जो एक चीज स्किप करना बता रहा हूं, वो ये है कि देखो जब आप इस तरह से अप्लाई कर रहे हो तो रो नंबर को यूज करना है, जब आप इस तरह अप्लाई करोगे तो कॉलम नंबर को यूज करना है। आगे किसी एग्जांपल में इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। सो एरे का नाम क्या बताया अभी हमने, सेल्स मंथ, चाहो तो राइट कर लो, चाहो तो यहाँ यूज इन फॉर्मूला में जाके सेलेक्ट कर लो। अब ये पूछ रहा है कि रो नंबर बताओ। हाँ भाई, अब आपके सामने पूरा डेटा पड़ा हुआ है, यहां का रेफरेंस क्या देंगे रो नंबर में, ये बता दे बस आप। ट्रू फॉल्स, Q4 क्या है, ओके, कोई और, अपने अपने बताते जाओ क्या बताएंगे यहां पे, आपके हवाले से क्या हो, ये हमें बताएगा उस महीने का नाम बताएगा जिसमें हाईएस्ट सेल हुई है, हाँ E4 बताएंगे, ठीक है, अगर E4 ठीक है तो फिर ये क्या करेगा कि उस महीने का नाम बताएगा हमें, हाँ दिमाग लड़ाओ, ये हमें बताएगा उस महीने का नाम जिसमें हमारी मैक्सिमम सेल हुई है 2100, यानी कि अक्टूबर के महीने का नाम बताएगा ये हमें। हाँ मुसिफ, 4, अगर 4 बताएंगे तो एक ही महीने का बताएगा, हमें तो चलाना है ना, खुद से कर ले, तो ये रफ अमल किया ना हमने यहाँ पे, हाँ T4 कह रही थी आप, ठीक है इसका रेफरेंस कर देंगे, वेरी गुड भाई, आपने ये सेल हुई है, ये कौन से महीने की सेल है उसका नंबर तो लिया हुआ है ना आपने, इसको ये करना है कि इसको एक नंबर देना है जो आपने एरे दिया है उसके 10वें सेल का नंबर दे, ऑब्वियसली वो अक्टूबर है तो वो 10 यहां से दे देंगे हम इसको, एंड देन जैसे ओके करेंगे, एंड देन इसको जैसे ही ड्रैग करेंगे, सही है, तुमने क्या बताया था मुसिफ, 4, अच्छा 4 इसने जो बताया वो 4 सही था, लेकिन उसमें 4 पे सिर्फ ये होता कि 4 कैसे सही हो सकता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल आ जाता उसमें तो, ठीक है ना, ओके
अब आ जाए वर्स्ट महीने की मालूमात करते हैं, होम में जाते हैं और यहां से करते हैं क्लियर कंटेंट्स, क्लियर फॉर्मूला इंडेक्स और यहां पे चलाते हैं। सो अब बताएगी मूर्ख हमें, मूर्ख इसको क्या बताना है एरे में। अब हम लोएस्ट नंबर का मालूम कर रहे हैं, हाँ वेरी गुड। अब हमें बताएगा वरुण क्या बताना है बेटा यहां पे, एक्सीलेंट V4 सही है। अब ये शीट आपकी ऑटोमैट हो गई, ऑटोमैट कैसे हो गई आइए एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैं इसकी सेल को जो भी कम से कम कौन से महीने में जा रही है फरवरी में, कम करके 500 कर देता हूं तो ऑटोमेटिकली शीट अपडेट हो गई कि दिसंबर के महीने की सेल आपकी कम से कम है। मैं इसमें जनवरी में जो सबसे हाईएस्ट सेल, अक्टूबर के महीने में सबसे हाईएस्ट सेल जा रही है, मैं दिसंबर की नवंबर की एंट्री को बढ़ा के सबसे हाईएस्ट पे ले जाता हूँ और ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा कि आपकी हाईएस्ट सेल नवंबर के महीने में हुई है। इस तरह आपका टोटल भी अपडेट हो रहा है, इस तरह आपका एवरेज भी अपडेट हो रहा है। और आपको क्या नहीं अपडेट हो रहा मैक्स, हो गया कैसे अपडेट नहीं हो रहा मैक्स, ऐसे नहीं लगाया ना हमने मैक्स फंक्शन, हमने ऐसे अप्लाई नहीं किया है मैक्स फंक्शन, हमने ऐसे अप्लाई किया है वो अमंग दीज हाईएस्ट वैल्यू कैलकुलेट करके देगा, सही है ना, अमंग दीज हाईएस्ट वैल्यू निकालेगा। हाँ अगर हम मैक्स फंक्शन को ऐसे लगाएंगे जो मैं आपको समझा रहा था तो फिर इनमें से हाईएस्ट नंबर निकाल के देगा, ठीक है क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है।